How did I spend my Eid? সকালে ঘুম থেকে উঠলাম, একটু নাস্তা করছি, তারপর নামাজ পড়তে গেছিলাম আর ইন লোগোকে সাথে মানে ঈদ গুজারি। এখন আমি যাইতেছি সরিন্দা পার্ক ক্যাফে, ওখানে একটা আপু আমাকে ইনভাইট করেছেন, ওনাদের হচ্ছে শপের মধ্যে যাব। আর यहाँ पे ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं जो बांग्लादेश में ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। बांग्लादेश में आके इनको कैसा लग रहा है? ये इनकी फर्स्ट ईद है जो इन्होंने बांग्लादेश में सेलिब्रेट की है और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, बांग्लादेश की नेचुरल ब्यूटी इन्होंने दिखाई है। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये बहुत खूबसूरत सी वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग। और लेट्स सी पाकिस्तानी बांग्लादेश में कैसे रहते हैं और बांग्लादेश में ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या एक्टिविटी है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वीडियो आप लोगों ने देखनी है आखिर तक। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। Assalamualaikum guys, I hope you all will be doing great and this vlog is all about my first Eid in Bangladesh and without any further ado, let's get started. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Aaj ke sharaf paanch puro Eid para char para Maimun Singh Shahdur Maimun Singh. So, why I am celebrating Eid in Bangladesh? A short answer to this question is because of the exams. So here my story starts. My last IVA was on 7th July and our new year classes would be starting from 15th July. So we literally had 8 days as a vacations. So we requested our microbiology department head to prepone our viva from 7th July to 22nd June. So and thus we will get around a month, a legit 1 month vacations. So and I am so grateful to my microbiology department head and the other staff that they consider us the foreigners and they preponed it. So how did I spend my Eid? সকালে ঘুম থেকে উঠলাম, একটু নাস্তা করছি, তারপর নামাজ পড়তে গেছিলাম আর ইন লোগোকে সাথে মানে ঈদ গুজারি। अच्छा, मुझे अभी एक और जगह जाना है तो मैं रास्ते में आपको बताऊंगा मैंने कहाँ जाना है। तो इतनी देर में आप लोग क्या करेंगे, बैठे रहेंगे स्क्रीन के सामने, बोर हो जाएंगे। आप लोग ऐसे करिए, मैंने बाहर ऑटो रिक्शा मंगवाया हुआ है, आप लोग उस पर बैठ के जाए कि एक रमज़ान का सीक्वेंस बनाया था वो जाके देखें, तो ये होगा रमज़ान की ज़रा यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो मैं आपको वहाँ जाके मिलता हूँ, ठीक है? ওখানে একটা আপু আমাকে ইনভাইট করেছেন, ওনাদের হচ্ছে শপের মধ্যে যাব আর দেখি কি হয়। এ থোড়ি ডিফারেন্ট কিসম কি ঈদ হয় মেরে লিয়ে আর মজা আ রা, আচ্ছা লাগ রা।
फैमिली राइट नाउ, बट इनके साथ ईद मनाना मुबारक। थैंक यू। सरिंदा पार्क के अंदर जूस पीऊंगा और इतनी देर के अंदर आप लोग जरा इस एरिया की ड्रोन शॉट देखें। And thank you so much for inviting me. आज मेरी पेशानी पे किस्मत ने चूमा है, आज मेरी पेशानी पे किस्मत ने चूमा है। माहे मुकद्दस में रोशन जहां है, माहे मुकद्दस में रोशन जहां है। फरिश्तों ने आकर किया समा खुशनुमा है, आज मेरी पेशानी पे किस्मत ने चूमा है, आज मेरी पेशानी पे किस्मत ने चूमा है। जैसे बंदगी उसकी एक इबादत है, वैसे किसी की मदद करना भी एक इबादत है। चाहे तेरी राहों का सूरज बेवक्त ढले, पर तेरी नेकी का जज्बा ताउम्र चले, पर तेरी नेकी का जज्बा ताउम्र चले। है फिक्र तुझे किस बात की जब वो तेरा रहनुमा है, आज मेरी पेशानी पे किस्मत ने चूमा है। शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो। आई एम सो ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज वॉचिंग राइट नाउ। जाने से पहले एक आखिरी बार बोलूँगा कि मेरे लिए और अपने लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, बिकॉज दुआ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि या तो जो आप मांग रहे होते हैं वो आपको फ़ौरन अता कर दी जाती है, या फिर अल्लाह ताला आपको जो चीज़ मांग रहे होते हैं उससे बेहतर अता करते हैं, या फिर वो आपके आमाल के अंदर ज़खीरा कर दी जाएगी। और क्या ये ब्लॉग आप लोगों ने देखा, बहुत खूबसूरत मज़े का, बिल्कुल बांग्लादेश की जो रॉ ब्यूटी है वो इसमें दिखाई है। और ईद में क्या माहौल होता है, ईद का क्या इन्वायरमेंट होता है, इन्होंने सारा का सारा शेयर किया है। ईद पे क्या इन्होंने खाया और बांग्लादेश के ट्रेडिशनल फूड इन्होंने इंजॉय की, और इसके बाद ये बाहर घूमने फिरने के लिए गए, वहाँ पे प्यारे प्यारे बांग्लादेश के क्यूट क्यूट बच्चों की इन्होंने वीडियोज़ के अहम शॉर्ट्स शेयर किए, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बांग्लादेश के बारे में इन्होंने कहा कि इनकी ये जो ईद है फर्स्ट ईद है, और काफ़ी एक डिफरेंट फीलिंग जो है इनको आ रही है, और
इनको भी बहुत मज़ा आया बांग्लादेश में ईद सेलिब्रेट करके। और मुझे जो सबसे मज़े की चीज़ लगी वो थी बांग्लादेश का खाना, और जो इन्होंने बहुत अच्छा बनाया और खाया। आई थिंक ईद पे सबसे मज़े की स्पेशल चीज़ यही होती है कि आप कुछ अच्छा सा, डिफरेंट सा, यूनिक सा बना के खाते हैं। तो आई थिंक ईद की जो छोटी ईद की स्पेशलिटी है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अच्छा खाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देख के। और आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं। वीडियो को लास्ट में लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।